तो आप भी चाहते हैं एक ऐसा डेस्कटॉप सेट करना अपने कंप्यूटर पर जो काफ़ी यूनिक लगे देखने में। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले हमें खोलना है गूगल क्रोम। गूगल क्रोम पर जाने के बाद हम यहाँ लिखेंगे वॉलपेपर केव। वॉलपेपर केव करने के बाद जो पहली वेबसाइट खुलेगी इसको क्लिक करेंगे हम, और यहाँ पर सर्च के लिए आएगा। तो यहाँ पर हम सर्च करेंगे डेस्कटॉप शेल्फ्स, इसके बाद सर्च करना है आपको। और सर्च करने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे शेल्फ्स के डिज़ाइंस मिलेंगे, किसी को क्लिक कर दीजिए तो वहाँ आपको नंबर ऑफ़ डिज़ाइंस देखने को मिलेंगे। जो भी डिज़ाइन आपको बेटर लगे उस पर आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, और डाउनलोड वॉलपेपर करेंगे तो आपके सिस्टम में ये वॉलपेपर डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद जहाँ पर ये वॉलपेपर सेव हुआ है उस लोकेशन को ओपन करके उस पर राइट क्लिक करके आप सेट टू डेस्कटॉप कर देंगे। और जैसे ही आप सेट एज डेस्कटॉप करेंगे तो देखिए हमारे डेस्कटॉप का वॉलपेपर भी बदल चुका है। और रहा आइकन्स को सेट करने की बात, तो उन आइकन्स को सेट करने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। इसके लिए राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर व्यू पर जाकर आपको ऑटो अरेंज आइकन और अलाइन आइकन्स टू ग्रिड, ये दोनों ऑप्शन को आपको डिसेबल करना होगा। इसके बाद आप अपने अपने आइकन्स को वहाँ पर अरेंज कर सकते हैं।